हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस, एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी इंटरव्यू वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि पर्सनल इंट्रोडक्शन अपना कैसे देना है एक इंटरव्यू में, आपने इंट्रोड्यूस कैसे कर अपने आपको, तो वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और उसी को रिलेट करके अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मेरी है ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप इंट्रोडक्शन के ऊपर। सो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप इंट्रोडक्शन क्या होता है, और किस तरीके से आप लोग ग्रुप इंट्रोडक्शन और ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मेरे प्लेसमेंट के टाइम पे जब मैंने ग्रुप डिस्कशन ये सब क्रैक करने चालू करे थे, तो कुछ चीजें थी जिन्हें मैंने नोटिस करा था। मतलब स्टार्टिंग में मुझसे ऐसा होता था कि क्रैक नहीं हो पाते थे, कम क्रैक होते थे, बट बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि मैं सारे के सारे ग्रुप डिस्कशंस को क्रैक कर देता था बहुत आसानी से। क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता चलती हैं, और उनके ऊपर काम करके हम लोग बहुत आसानी से ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आई सजेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये चैनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स ला जाता है हर एक तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट इज ग्रुप इंट्रोडक्शन, और दोनों में डिफरेंस क्या है। सो गाइस, ग्रुप डिस्कशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि सबसे पहले ग्रुप यानी कि 10 या 15 लोग, ठीक है, 10 से 15 लोग होते हैं ग्रुप में, और डिस्कशन होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 मान के चलते हैं, मेरी प्लेसमेंट के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 15 स्टूडेंट्स होते थे ग्रुप में, जब ज्यादा बच्चे होते थे तो 15 बच्चे बैठ जाते थे, सर्कल बना के बैठते थे। नॉर्मली यू शेप में भी बैठते हैं, सर्कल बना के भी बैठते हैं, आमने सामने भी बैठ सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का सेटिंग अरेंजमेंट है और अवेलेबिलिटी है क्लासरूम में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बैठते हैं। अब होता है क्या कि इन सारे स्टूडेंट्स को मिलता है एक टॉपिक बात करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 15 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब उन्हें टॉपिक दे दिया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, और उन्हें बोला जाएगा कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करनी है, या फिर उन्हें दे दिया जाएगा मिशन मार्स, मिशन मार्स जो हुआ था उसके ऊपर उन्हें टॉपिक दे दिया, अब उन्हें उसके ऊपर बात करनी है, या फिर इस तरीके का टॉपिक दे दिया कि क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें इसरो पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब हमें इंडिया जैसी कंट्री, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास इतने सारे फंड्स नहीं है, ऐसी कंट्री को इसरो पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना। इस तरीके के टॉपिक में पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं एक या दो, और स्टूडेंट्स बात करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक दिया जाता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर गेम और आउटडोर गेम, ये दे दिया। कितने लोगों को लगता है कि इंडोर गेम अच्छी होती है, कितने को लगता है कि आउटडोर गेम अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं। अगर आज के टाइम पे आपसे इंडोर गेम और आउटडोर गेम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आज के टाइम पे तो बिल्कुल दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएंगे। आउटडोर गेम वाले बोलेंगे कि आउटडोर गेम इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि आपको फिजिकली आप फिट रहेंगे, आपका ज्यादा मूवमेंट होगा। इंडोर गेम वाले ये कहेंगे कि आज के टाइम पे जब कोरोना वगैरह इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उस हिसाब से इंडोर गेम ज्यादा अच्छी है और बाहर जाना अच्छा नहीं है। तो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू चलता है। तो ये सब जो होता है, ये इस तरीके का डिस्कशन होता है, उसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। नाउ व्हाट इज ग्रुप इंट्रोडक्शन, ग्रुप इंट्रोडक्शन इससे बिल्कुल अलग होता है। एक चीज कॉमन होती है बिल्कुल कि स्टूडेंट्स उतने ही होते हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, यू शेप में बैठ गए, सेमी सर्कल में बैठ गए, सर्कल में बैठ गए, आमने सामने बैठ गए। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स बैठते हैं और क्या होता है, एक एक करके हर एक स्टूडेंट, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके नंबर 15 तक हर एक स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो अपने इंट्रोडक्शन में वो स्टूडेंट अपने बारे में सारी चीजें बताएगा, वो अपने बारे में बताएगा, अपनी जिस प्लेस ऑफ बर्थ है उसके बारे में बताएगा, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएगा, जो जो उसकी स्किल्स हैं, जो हॉबीज हैं, जो उसकी अचीवमेंट्स है, वो सारी चीजों के बारे में बताएगा, फैमिली के बारे में बताएगा। ये सारी चीजें होती हैं, ये उसके इंट्रोडक्शन में आती है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने ये बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं खुद को, तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। सो गाइस, ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि क्रैक कैसे करते हैं ग्रुप डिस्कशन को। ठीक है, ग्रुप इंट्रोडक्शन जो होता है वो हर जगह पर नहीं होता, स्टेप के इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा और OCLT के इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट ग्रुप डिस्कशन आपको बाकी सारी जगह पे मोस्टली ग्रुप डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि ग्रुप डिस्कशन को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, वो कौन सी टिप्स होती हैं जिनका यूज करके, वो कौन सी चीजें होती है जिन्हें ध्यान में रखे आप लोग आसानी से ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्किल्स बता देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ कि अगर आपके अंदर ये तीन चीजें होंगी तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन को आसानी से क्रैक कर सकते हो। पहले मैं तीन चीजें बताता हूँ कि ये तीन चीजें अगर आपके अंदर है, इंटरव्यूअर जो है वो आपके अंदर ये तीन चीजें देखेगा, अगर आपके अंदर उसे तीन चीजें मिली वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी फिर मैं पहले बताऊंगा वो कौन सी तीन चीजें होती है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो तीन चीजें किस तरीके से आप शो कर सकते हो कि आपके अंदर है। तो पहले मैं बताता हूँ वो तीन चीजें है कौन सी। गाइस, वो तीन चीजें हैं इनिशिएटिव होना, कॉन्फिडेंट होना और कम्युनिकेटिव होना। अगर आप इनिशिएटिव पर्सन हैं, अगर आप
कॉन्फिडेंट पर्सन है और आप कम्युनिकेटिव पर्सन है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं वीडियो में टॉपिक चीजें बता रहा हूँ कि ये करके आपका ग्रुप डिस्कशन क्रैक हो सकता है, देखो इससे मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि अगर आपने ये चीजें करी तो 101% आपका डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन क्रैक होगा, जीडी क्रैक होगा। अगर आपसे कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इट्स अबाउट पर्सन टू पर्सन, पर्सन किस तरीके से, पर्सनैलिटी कैसे, ग्रूमिंग कैसे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट बिल्कुल आपके चांसेस जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इन चीजों का यूज करोगे। तो सबसे पहली चीज है कि इनिशिएटिव, आपको ये दिखाना है कि आप इनिशिएटिव हो। ये आप कैसे दिखाओगे, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला बेसिक तरीका होता है इनिशिएट करना, ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना। जब आप 15 लोग आके बैठे, उन्होंने आपको टॉपिक दिया इस चीज के ऊपर कि इस टाइम पर इंडोर गेम बेटर है या आउटडोर गेम बेटर है, तो जो स्टूडेंट सबसे पहले बोलता है, ठीक है, एक तो ये नहीं करना कि एकदम हड़बड़ाहट में आते ही बैठे और जब बैठते ही बोलना चालू कर दिया। जब एक्चुअल में बोलना स्टार्ट होगा कि मेरे टाइम पे मैंने कितने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा था जो बैठे हुए बस बैठते ही बोलना चालू कर दिया और इंटरव्यू ने बोला कि थोड़ा टाइम दो, एक दो मिनट रुको, उसके बाद बोलना चालू करना हो, क्योंकि कितनी जगह होता है आपको एक दो मिनट का टाइम देते हैं, मोस्टली देते हैं आपको टाइम सोचने के लिए। तो जो ग्रुप डिस्कशन में होता है आपको इनिशिएटिव दिखाना है, तो आपको इनिशिएटिव कैसे दिखाना है, आपको इनिशिएट करना है, आपको चालू करना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले टॉपिक को चालू करता है चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो लाइव लाइट में आ जाए और वो सामने आ जाए और वो अपने आपको बाकियों से अलग कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो दिखाता है कि वो इनिशिएटिव स्टूडेंट है, वो दिखा रहा है कि उसे इनिशिएट लेना आता है। फॉर एग्जांपल कभी होटल है, होटल में आग लग गई, ठीक है, या फिर होटल में गेस्ट की तरफ से कंप्लेन आ रही है, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन एकदम से एक पर्सन है, एक ऐसा होटेलियर है जो कि निकल के आ रहा है, दिखा रहा है कि वो इनिशिएट ले रहा है, वो चेहरा नहीं देख रहा। उस तरीके की स्किल को वहां पर रिलेट करा जाता है, वो लोग देखते हैं कि जो इनिशिएट लेता है उसे लाइमलाइट में रखा जाता है और उसके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए। सेकंड चीज मैंने बोली कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट थोड़ा इससे इंटर रिलेटेड है। पहले मैं कम्युनिकेटिव बता दूं कि कम्युनिकेटिव होना चाहिए। गाइस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आपने इनिशिएटिव ले लिया तो कोई फायदा नहीं है ना लेने का। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेस्ट होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होने का मतलब यह है कि आप अपनी बात को सिंपल से सिंपल तरीके से सबके सामने वाले के सामने रख दें, ठीक है, वो उसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर। अगर आप अपनी बात किसी को ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं इसका मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इंग्लिश, क्योंकि इंटरव्यू आपका पूरा इंग्लिश में चलेगा, हिंदी में नहीं चलेगा। सो गाइस आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बहुत बार बताया कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है कि इंग्लिश को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशन। अगर आप कोई सीरियस बात बोल रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि सीरियस बात बोलते हैं आप अपने फ्रेंड को देख के स्माइल कर रहे हो, स्माइल नहीं करना है। अगर आप सीरियस बात बोल रहे हो, सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो आप लेके आओ वाला एक्सप्रेशन, आप दिखाओ सामने वाले को कि आप उस टॉपिक को लेकर सीरियस हो, ठीक है। आपको दिखाना है कि आप मैच्योर हो, आप दिखा रहे हो कि ठीक है मैं उस टॉपिक को लेके, मेरा ओपन माइंडेड है और मैं आसानी से उस चीज को क्लियर कर सकता हूँ, तो वो चीज होनी चाहिए। बात करें अगर कॉन्फिडेंट की, तो कॉन्फिडेंट भी इन सब चीजों में आ जाता है जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स अब ऐसे होता है कि वो इनिशिएट ले लेंगे कि हेलो गाइस माय नेम इज सुब्रत वर्मा एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, ऐसे करके आप इतना बोल के ना अटक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। और जैसे ही अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि एक लाइन बोलो, दो लाइन बोलो, तीन बोलो, चार बोलो, जितनी भी बोलो बट क्लियरली बोलो। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, ठीक है, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो ना तो वो ये भी दिखाती है स्किल कि आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, वो लोग नजरों में आ जाते हैं। एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तीन बार इनफ है, तीन से ज्यादा मत बोलना, तीन बार इनफ है। कितने लोग होते हैं जो चार बार बोलते हैं, पांच बार होते हैं, ठीक है। और कितने मैं बोलूंगा, मैनेजर्स भी ऐसे होते हैं, देखो बिल्कुल ये बात मैनेजर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब कितने मैनेजर्स के अंदर की स्किल नहीं होती, जो कि बहुत गलत बात है, वो क्या करते हैं जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसे ले लेते हैं कितनी बार, ठीक है। तो बट ये चीज गलत है, सारे मैनेजर्स ऐसे नहीं होते। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो मैनेजर्स देखते हैं वो देखते हैं कि बोलो, ढंग से बोलो, नॉर्मली बोलो, ज्यादा भी मत बोलो, सामने वाले दूसरे को भी मौका दो। यानी कि आप बोलते जा रहे हो और दूसरे स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का। तो जो भी बोलो, कम बोलो, क्लियर बोलो, कॉन्फिडेंट बोलो, वो होता है। बाकी का इस ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस टाइम पे अगर आपका इस साल आपका इंटरव्यू कोई किसी भी तरीके का होने वाला है और आप ग्रुप डिस्कशन को फेस करने वाले हो, तो जो करंट टॉपिक्स है, मैं भी आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, इन टॉपिक्स की तैयारी जरूर करना। इकोनॉमी में जो क्राइसिस चल रहा है, जीडीपी लो हो रही है, उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी अपडेट्स पढ़ सकते हो। वेस्ट बंगाल में हमारे जो इलेक्शंस हैं वो सब आप पढ़ सकते हो। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं आप लोग वो सारे पढ़िए, ठीक है। और किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई, हाँ अभी अभी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, उसका नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब आप पढ़ सकते हो। पॉपुलेशन इतना बड़ा क्राइसिस अभी कंट्री में चल रहा है, घूम फिर के सारी चीजें पॉपुलेशन से ही तो होती हैं,
तो पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो आप खुद देखिए कि कौन कौन से अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और उन्हें पकड़िए, उन्हें लिख लिए। मैंने अपने टाइम पे 105 अप्रोक्सीमेटली टॉपिक्स लिखे थे, 105 कुछ टॉपिक्स लिखे थे, और उसमें से कॉन्सिडेंसली मुझे कुछ नहीं तो मुझे 10 या 15 टॉपिक्स तो बिल्कुल इंटरव्यू में देखने को मिले थे। मैं लिख लेता था जो भी टॉपिक मेरे दिमाग में आता था कि ये टॉपिक है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था उसके बारे में, और कुछ लाइन अपनी तरफ से पहले से प्रिपेयर करके रखो। तो आप लोग सिंपली अपना जो है इनिशिएटिव वगैरह इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दो, यही मैं बोलूंगा गाइस। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतने ही सिंपल है। छोटी सी वीडियो थी, ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो होगी अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा अपना OCLD एक्सपीरियंस, ठीक है। जरूरी था कि पहले आपको GD बता दूं, पहले आपको ग्रुप डिस्कशन हो गया और इसके बारे में बता दूं, इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं, उसके बाद OCLD की वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। अभी आपने ये सब देख लिया, आप OCLD वाली वीडियो देखना तो और अच्छे से आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।